जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता, गीता सार अध्याय 1। क्या आपको पता है श्रीमद् भागवत गीता में विशेष क्या है? श्रीमद् भागवत गीता में विशेष है श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो सिर्फ साधन है। दोस्तों, हमारा ये प्रयास है कि आज के समय में ये ग्रंथ हमें सही रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को समझ पाए और डेली वे में इसका उपयोग कर पाए। वैसे तो गीता के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना गया है, शायद ही कोई ग्रंथ ऐसा होगा जिसके बारे में इतना कुछ लिखा गया हो। ऐसा क्या है इस भागवत गीता में जो समय समय पे ये और भी उपयोगी और मार्गदर्शक होता जा रहा है? अगर इजी और साधारण भाषा में कहा जाए तो भागवत गीता उत्तर है। गीता उत्तर है दुनिया के हर एक प्रश्न का। दुनिया में ऐसे कोई भी सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको गीता में नहीं मिलेंगे। जीवन से जुड़े हुए हर एक प्रश्नों के सवाल सिर्फ आपको भागवत गीता में मिलेगा। हमारे मन में जो भी दुविधा होती है, शंका होती है, परेशानी होती है, जितनी भी चिंताएं होती है, उस सारी परेशानियों का हल हमें श्री कृष्ण भागवत गीता में देंगे। बस आप यहाँ पर खुद को अर्जुन समझिए और अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियाँ श्री कृष्ण को दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हर परेशानी, हर डर, हर चिंता का हल श्री कृष्ण देंगे। चलिए अब देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र वाच। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेता युयुत्सवा मामका पांडवा चेष्वा किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संपूर्ण गीता में धृतराष्ट्र ने केवल यही एक श्लोक कहा है, शेष सभी श्लोक संजय ने कहे हैं। महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा वह युद्ध में घटने वाली सभी घटनाओं को देख सुन सकता था। धृतराष्ट्र को दुर्योधन की शक्ति पर पूरा विश्वास था, परंतु पांडवों के साथ हुए अन्याय को भी वे जानते थे। युद्ध के परिणाम को लेकर उनके मन में संदेह था, उसी के निवारण के लिए उन्होंने संजय से यह प्रश्न पूछा। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानि का व्यूरा दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसमर्गम राजा वचन प्रवीवता। संजय बताने लगे, उस समय कौरवों के राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला, इस श्लोक के बाद कुरुक्षेत्र में घटित घटनाओं का वर्णन है। कौरवों की तुलना में पांडवों की सेना कम थी, लेकिन उसे देख दुर्योधन का आत्मविश्वास टूट गया और वह विचलित होकर गुरु द्रोण के पास गया। पश्यता पांडु पुत्रा नामचार्य महति चमुमम ब्यूढ़ द्रौपद पुत्रेन तव शिष्यन धीमता। हे आचार्य, द्रौपद पुत्र दृष्टद्युम्न के नेतृत्व में खड़ी विशाल पांडव सेना को देखे, यह दुर्योधन की मूर्खता ही थी जो वह गुरु द्रोण को पांडव सेना के विषय में विस्तार से बताए। इस विषय में आगे और भी वह भययुक्त बातें करता है, जिससे उसका संदेह स्पष्ट झलकता है। अत्र शूरा महेश्वर शा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराट चर्ष द्रौपद चर्ष महारथि दृष्टकेतु चेकितान काशीराज सवीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैवचर्ष नरपुंडवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तममोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदश्च सर्व एव महारथ। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, इस सेना में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सत्यकी विराट राजा द्रौपद दृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरजित कुंती भोज सैव्य युधामन्य उत्तम मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांच पुत्र प्रतिविंद सुत सोम सुतकर्मा सतानिक तथा श्रुतसेन आदि शामिल हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तात्रिबोध तिजोत्तमा नायका मम सैन्याश्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो वीर है उनके बारे में भी जान लीजिए। अब मैं आपको कौरव सेना में शामिल महारथियों के नाम बताता हूँ। कौरव सेना में अनेक सूरवीरों और महारथियों से सुसज्जित थे।
भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्त स्थिवथैव च अन्य च बहवः सूरा मर्दते त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरना सर्वयुद्ध विशारदा। यहाँ पर सबसे पहले आप कर्ण, गुरु द्रोण और पितामह भीष्म और संग्रह विजय कृपाचार्य, उसी तरह अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए प्राण निछावर कर देने वाले युद्ध में निपुण अनेक सूरवीर विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। दुर्योधन यहाँ पे गर्व से कहता है, मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले लोगों की कमी नहीं है और युद्ध में चतुर भी हैं। उन्हीं को देख करके दुर्योधन यहाँ पर खुश हो रहा है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्मा विरचितम पर्याप्तम तिद्वमेतेषां बलम भीमा विरचितम यैनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवा विरच्छन्तु भवन्त सर्व एव हि। यहाँ पे दुर्योधन का कहना है, भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरव सेना अजय है तथा भीम द्वारा रचित पांडव सेना को हराने में पूरी तरह से समर्थ है, इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चे पर डटे रह कर के हर प्रकार से भीष्म पितामह की रक्षा करें। तस्य संजयन हर्षन कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदोक्ते शंखदम्म प्रतापवान। यहाँ पर अब शंख उद्घोषणा होती है होने वाले युद्ध की। कौरवों में सबसे वृद्ध, सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने सिंह के दहार के समान उच्च स्वर में ऐसे शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। ततत् शंखश्च वीर्यश्च पाण्डवानक गोमुखा सहसे भान्य हयन्त ससत शब्द तुमोलुभवत। दोस्तों, युद्ध भयंकर होते हैं और ये युद्ध इतिहास का आज तक का सबसे भयानक युद्ध का आरंभ था। भीष्म पितामह के शंख के पश्चात नगारे, ढोल, मृग तथा नरसिंगे आदि वाद्य यंत्र तीव्र आवाज करते हुए एक साथ बज उठे। इन बाजों की आवाज संगीतमय नहीं, बहुत ही डरावना था। युद्ध मनोरंजक नहीं होते दोस्तों, इसलिए एक बार जब युद्ध का फैसला ले लिया जाते हैं, आगे जो भी हो हम पीछे नहीं हट सकते। ततत् श्वेते हये युक्ते महति संदेन स्थितो माधव पांडवा चैश्व दिव्यो शंख प्रधत्मुतु। अब बारी थी पांडव पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। दोस्तों, युद्ध में जब भी तैयारी होती है ना, तो दोनों तरफ से होती है। हर पक्ष अपनी विजय की आशा में खुद को और अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हमें मोटिवेट करने के लिए शंख की जगह पे हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें प्रोत्साहित या मोटिवेट करे। पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रधम्म महाशंख भीमकर्मा विकोदरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुधोष्मनि पुष्पको। श्री कृष्ण के शंख का नाम है पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त, और भयानक कर्म वाले भयानक भीमसेन ने अपना पौंड्र नामक महाशंख बजाया। पांडवों में सबसे बड़े कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाए और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, चुनौती या युद्ध के लिए हम भी अपना मोटिवेशन चुन सकते हैं। काश्चश्च परमेश्वरश्च श्रीखंडीश्च महारथा धृष्टद्युम्नो विराजश्च सात्विकीश्च पराजिता।
द्रुपदो द्रुपदायश्चै सर्वस पृथ्वी विवते सौभद्रश्च महाबाहु संख्य धम्मो पृथक पृथक। हर संख्य की एक अलग ध्वनि। यहाँ पर उपस्थित जितने भी योद्धा थे वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी एवं दृष्टिद्युम राजा विराट अजय सातकी राजा द्रौपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा बड़े भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने शंख बजाए। यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, यहाँ पर सबने अपनी अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्रानाम हृदयानि वेदार्ता नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यानुनायदन। युद्ध से पहले जैसे शत्रु को अपनी शक्ति दिखा करके भयभीत करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। संजय कहते हैं, इस भयानक शोर ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए कौरवों को भी भयभीत कर दिया है। यहाँ पर इस शोर होमकार का अर्थ है कि आप अगर किसी युद्ध के लिए या कहीं इंटरव्यू के लिए या किसी के सामने, तब आपकी प्रतिभा आपका हुनर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला को प्रभावित कर दे। आपके ओंकार ऐसे होने चाहिए कि शत्रु सोचे कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। अतव्यवस्थित दृष्ट्वा धृतराष्ट्र कपिज ध्वजा प्रवृत्ति शास्त्र संपत्ति अनिरुद्धम पांडवा ऋषिकेशम तदवाक्यम मीद महामहीपते। सैन्य रोभ्यो भयो मध्य रथम स्थापय मैच्युत। अर्जुन यहाँ पर धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं और धनुष उठा करके श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए। अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अच्युत भी था। अर्जुन यहाँ पर अपने सारथी को दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। यावदेतांतरिक्षि हम युद्धु कामानुवस्थितान कैमेया शह युद्धभं अस्मिरन रन समुद्धमे युत्समानानवेक्षे हम य एतेत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्ध धैर्य युद्धे प्रिय चिकीषव। आज के टाइम का सबसे बड़ा ज्ञान है ये दोस्तों, युद्ध कोई भी हो सकता है, पर्सनल या प्रोफेशनल। अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, मुझे जिनके साथ युद्ध करना है, जब तक मैं उन्हें भली भांति देख न लूं, तब तक इसे वहाँ पर खड़ा रखिए। अर्जुन यहाँ पर दुर्योधन को दुर्बुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि यह युद्ध दुर्योधन के हट के चलते ही हुआ है। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा आए हैं, उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़ा होकर के देखना चाहते हैं। एव मुक्तो हृषिकेशो गूढकेशन भारता सैन्य रुव्यो भयो मध्य स्थापित्वा रथोत्तमा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषामुच महिचिताम् उवाच पार्थ पश्येतान सामवेतान करुणिति। संजय यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बताते हैं, हे राजन, जैसे कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि राजाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे पार्थ, युद्ध के लिए आए इन कौरवों को देखो। पार्थ यहाँ पे अर्जुन का ही नाम है, वह पार्थ जो बस अब शंका में घिरने वाला है। तत्र पश्यत स्थिता तांत्र पार्थ पितृनत्थ पिता महान आचार्यन मांतुलांत भांत पुत्रान पौत्रान सखिस्त था। कुंती का एक नाम पृथा भी था, पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। अर्जुन वहां दोनों सेनाओं के मध्य में दादा परदादा ससुर गुरु मामा भाई मामा पुत्रों पौत्रों और दादा सभी को देख रहे हैं। महाभारत को इसलिए तो धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया था।
और इस युद्ध में एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बट गया था। हर किसी को यहाँ पर फैसला करना था कि कौन किसका साथ देता है, अर्जुन का या दुर्योधन का। ससुरान सुर हृदयश्व सैन्य रोव यूरोपी तांसमिच्छे से कौन्तेय सर्वान वंदुन वस्थितान। इन सभी सगी संबंधियों के साथ साथ अर्जुन अपने ससुरों को, मित्रों को और सूर्योदय को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। सारा जीवन जिनके साथ बिताया ये सारे अपने ही तो हैं। दोनों पक्षों में अपने ही तो लोग हैं, लेकिन अब अपनों के भी दो पक्ष हो चुके हैं, जिसमें एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन युद्ध में अब उनके वो शत्रु हैं और अब उनके साथ उन्हें अब लड़ना होगा। अर्जुन उवाच, कृपया पड़या विष्टो विषिदत्रिदं ब्रवीति दृष्टवेवम स्वजनम कृष्णम युयुत्सु समुपस्थितम। अपने करीबी अर्जुन के एकदम सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उपस्थित उन संपूर्ण बंधुओं को देख करके अर्जुन करुणा से भर उठे। कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भरे हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, बस यही से भागवत गीता की स्टार्ट होती है, भागवत गीता की शुरुआत होती है दोस्तों। यही से शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। श्री कृष्ण को ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमें सही राह सही मार्गदर्शन पर ले जा सके। सीदन्ति मम गत्रानि मुखं च परिशिष्यति बीपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। युद्ध की बातें करना तो बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन युद्ध करना बहुत ही कठिन। यही अर्जुन के साथ हो रहा था और यही हम सबके साथ भी होता है। बस ऐसी ही शंका का सलूशन श्री कृष्ण के भागवत गीता से हमें मिलता है। यहाँ पर दुखी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यहाँ अपनों को देख करके सोच में पड़ रहा हूँ। मेरा शरीर ठंडा हो रहा है, जैसे मैं कांप रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, जैसे मेरे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है। बस ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है दोस्तों। चाहे हम कोई एग्जाम ही क्यों ना देने जाए, वहां हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। गांडी व संसते हस्ता वक्च व परिदेहते न चक्षकन व्यवस्थन्तु भ्रमतीव च मे मना। यहाँ पर अर्जुन अपने दुख श्री कृष्ण को बता रहे हैं। हम भी कभी ऐसी अवस्था में होते हैं, चाहे वो किसी फील्ड में हो, एग्जाम में हो या किसी युद्ध के लिए जा रहे हो, हम खुद को युद्ध के लायक समझते ही नहीं हैं। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। उनका मन बहुत भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी दुविधा में हम भी होते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेण्यो पश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश बैठा है। जब युद्ध से पहले आप खुद को कांपते हुए पाते हैं तो आपको लगता है आप युद्ध नहीं जीत सकते। सब कुछ खत्म सा होता दिखता है, हर तरफ बस अंधकार ही दिखाई देता है। बस इसी समय हमें सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है, इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मुझे लक्षण भी विपरीत ही दिख रहे हैं। अपने स्वजनों को मार करके मुझे कल्याण भी नजर नहीं आता, मतलब कि यहाँ पे अपनों की जान लेकर मुझे क्या फायदा होगा। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्यन गोविंद किम भोर्गे जिर्विते मुवा। यहाँ पे अर्जुन अपनी बातों को अस्पष्ट रखते हुए कहते हैं, क्योंकि डर में सब व्यर्थ लगता है। वो कहते हैं, केशव, मुझे ना विजय चाहिए ना राज सुख। हे गोविंद, ऐसे राज्य भोग या जीवन से क्या लाभ। इस विषाद में, मीन्स डिप्रेशन में, डर में, शंका में अर्जुन यहाँ सब कुछ खो देने को तैयार है, सब कुछ त्याग देने को तैयार है।
अर्जुन इस समय इतना डर गए हैं कि उन्हें कोई धन, कोई दुनिया, कोई लोभ कुछ नहीं चाहिए, बस वो इस युद्ध से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ऐसा मर्ते कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च इमे व्यवस्थिता युद्धे प्राणाम सत्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं हमें जिनके लिए राज्य भोग आदि अविष्ट है वे इस युद्ध में अपने जीवन और आशा को त्याग करके खड़े हैं। वो गलत नहीं कह रहे हैं दोस्तों। सोचिए हम अपने जीवन के सारे सुख भोग, हमारी सुख शांति भाग दौड़ युद्ध सब अपनों के लिए ही तो होता है और हमें यहाँ अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी दुविधा क्या होगी कि अपने ही अपनों को मारने के लिए खड़े हैं। आखिर ऐसी दुनिया किस काम की, बस यही दुविधा अर्जुन के मन में है। आचार्य पित्रा पुत्रास तथैव च पितामह मातुला ससुरा पात्रा श्याला संबंध स्थिता। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ चाचे मामे पुत्र भाई परदादा ससुर पौत्र साले और भी कई संबंधी लोग। वो अपने हर संबंधी को बहुत ही करीब से पहचान रहे हैं, पहचान करके उनके बारे में बता भी रहे हैं। एतांत्र हन्तुमिच्छामि ध्यतोपि मधुसूदन अपि त्रिलोके राज्यस्य हेतो किम्न महे कृते। जब आपने एक बार युद्ध करने का निर्णय ले लिया तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसको नहीं। युद्ध में तो हर कोई सैनिक ही है, अगर वो आपके शत्रु पक्ष से है तो आपको तो उसे मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो श्री कृष्ण से बता रहे हैं, हे मधुसूदन हे जनार्दन यदि ये मुझे मार दे या तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता, फिर भला एक राज्य के लिए मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। दोस्तों अर्जुन को यहाँ पर तीनों लोकों का भी राज्य नहीं चाहिए तो फिर धरती के लिए कहना ही क्या है। इसके लिए अगर उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे यह नहीं चाहिए। निहत्ते धात्र राष्ट्र का प्रीति स्या जनार्दना पाप में वृदश्यमान हत्वेताना ततायीन। अर्जुन आगे कहते हे मधुसूदन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में कितने भी बुरे लोग हैं, कितने भी आतताई हैं, आखिर है तो अपने ही ना। अपनों को मारकर अपनों को दुख देकर केवल पाप ही लगेगा, पुण्य नहीं। ये सब गुरु पुत्रों के लालच का परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। लालच से कभी किसी का भला नहीं होता है। इस युद्ध में भी यही होना था, एक को जीतना था तो एक को मरना था। काश्मन हन्ना वयम हन्तु दात्र राष्ट्रं स्वबन्धवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने श्यामा माधवा। क्या कोई अपने परिवार को मार करके खुश रह सकता है, इसलिए तो महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया। जब आप भी ऐसे धर्म संकट में पड़ जाते हैं तो क्या करें, यहीं पर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं। हे माधव हम अपने ही बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के योग्य नहीं हैं। हम अपने ही परिवार को मार करके भला कैसे सुखी रह सकते हैं। दोस्तों कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लालच के कारण दो परिवारों में बंटवारा हो, तब आप ठंडे दिमाग से अर्जुन के इस हालत के बारे में सोच सकते हैं। यद्यपते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलच्छय कृम दोषम मित्र दोहे चपातक्रम कथम न यश्माभि पाप दस मित्र वर्वितुम कुलच्छय कृतम दोषम पापृषभि जनार्दना। अगर आपका दोस्त किसी भी तरह के पाप को करने के लिए तैयार है और आपको पता है कि जो गलत है अनुचित है वो नहीं करना चाहिए। इन दो श्लोक में अर्जुन इसी दुविधा के बारे में बता रहे हैं।
हे जनार्दन, यदि ये लोग कुल के नाश से पैदा होने वाले दोषों तथा पापों को नहीं देख पा रहे हैं, परंतु हम इसके बारे में जानते हैं, हम समझदार हैं, तो क्या इसलिए हमें स्वयं ही इस पाप मार्ग से हट जाना चाहिए? अर्जुन का यह कहना है कि क्या हमें इस पाप से पीछे नहीं हट जाना चाहिए? शत्रु को नहीं पता है कुल के नाश से पैदा होने वाले दोष तथा पापों को वो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम तो समझदार हैं, हम तो जानते हैं। कुलच्छय प्रश्यन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतश्नम धर्मो विभत्तिता। जहाँ पर कुल का नाश हो जाता है, परिवार का विनाश हो जाता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब है सब कुछ नाश हो जाना। ऐसी सिचुएशन में अर्जुन फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि कुल के नाश से सनातन धर्म कुल नष्ट हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप भी बढ़ जाता है। अर्जुन का कहने का मतलब है कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म भी नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल, सारे कुल में, परिवार में पाप बढ़ जाता है। परिवार ही तो है जो हमें अपने गुणों से, आदर्शों से और जड़ों से जोड़ के रखता है। अधर्मो विवात्व कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया त्रिषु दुष्टाशु वाष्णेया जायते वर्ण संकर। परिवार की भलाई कुल की स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो स्त्रियों की वजह से। कहते हैं जिस परिवार में, जिस घर में स्त्रियां ना हो, उस घर का कोई अस्तित्व नहीं होता। और जब यही स्त्रियां दूषित हो जाए तो क्या होगा? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। संकरो नरका एव कुलघा नाम कुलस्य च पतन्ति पित्रोः सां लुप्त पिण्डो दत्क्रियः। यहाँ पर वर्ण संकल का मतलब है जहाँ पर वर्ण और समाज के मर्यादाओं का सम्मान न देते हुए गलत तरीके से या गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती तो वो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए दोस्तों, समाज की जो नियम होते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं, हजारों वर्षों की सोच और नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। अर्जुन यहाँ पर इस श्लोक में यही बताना चाहते हैं कि हे कृष्ण, वर्ण संकल कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित हुए उनके पितृलोक भी अनेक कष्ट भोगते हैं। दोषे रहते कुलघ नामा वर्ण संकर कारे के उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। अर्जुन कहते हैं, ये वर्ण संकर कारक दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहाँ वर्ण संकर होता है ना, वहाँ धर्म का नाश निश्चित है। वर्ण संकर की वजह से, जैसे कि अर्जुन बताते हैं, कुल के धर्म का नाश होता है और जाति धर्म का भी नाश हो जाता है। जब कोई अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और समाज के नियमों को नहीं मानेगा, तो फिर समाज कैसे रह जाएगा? उत्सन्न कुल धर्म नाम मनुष्य नामा जनार्दना नरके नियतम बाशु भवितित्ये सुसमम। यहाँ पे अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक को भोगते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता बहुत थी दोस्तों। उस समय की मान्यता थी कि अगर कुल का नाश हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए नरक भोगेगा और हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसलिए कुल की रक्षा करना हमारा धर्म है। कुल का सम्मान करना और उनका नाम करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। अहोवत महत्व पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्र राज सुभिलोभेना हन्तुम स्वजनम मुद्दता। अर्जुन आगे खुद को दोषी ठहराते हुए कहते हैं, आह, कितनी दुख की बात है कि हम इतने बुद्धिमान होते हुए भी हम ऐसे महान पाप करने के लिए तैयार हो गए हैं।
जिसमें राज्य सुख के लिए अपने स्वजन को ही मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्जुन का यहाँ पे मानना है दुर्योधन जैसा भी है, लेकिन अर्जुन और उनकी सेना तो यहाँ पर समझदार है। कहते हैं बेवकूफों का पाप माफ भी किया जाता है, लेकिन बुद्धिमान से बहुत उम्मीद होती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाए तो क्या उसको माफी की सजा मिलेगी? अर्जुन बस यही सोच रहे हैं कि उन्हें माफी नहीं मिलेगी। यदि मामम प्रातिकारम शास्त्रम शास्त्र पानय धात्रराष्ट्र रने हन्युस तन्मे छे मंत्रम भवेत। कभी आंखें बंद करके किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको अति प्रिय हो, जिसके साथ आप खेले हो, जिनकी गोद में आप खेले हो, चाहे वो आपसे बड़े हो या छोटे हो। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उसे मार पाएंगे? जब आप विचार करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे उसके हाथों तो मैं स्वयं ही मारा जाऊं। ये बात अर्जुन कहते हैं, पार्थ यदि मेरे शस्त्र त्याग के बाद कौरव मुझे मार भी डाले तो भी मेरे लिए युद्ध से अधिक कल्याणकारी होगा। एवं मुक्त अर्जुन संखी रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध के बारे में बता रहे हैं, वो आगे बताते हैं, हे धृतराष्ट्र, शोक में डूबे हुए अर्जुन ने गांडीव एक और रख दिया और रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए हैं। दोस्तों ये था अध्याय 1 भगवत गीता का अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन के दुख डिप्रेशन उसके शंका जो भी है उसके बारे में बताया गया। अब आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्जुन के दुख शंका भय सारे प्रश्नों का उत्तर कैसे श्री कृष्ण देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।